आज से एक महीना पहले हमने ST टोकन का स्कैम देखा था, जो कि लगभग 700-800 करोड़ का स्कैम ऑलरेडी करके गए थे इस मार्केट में। लेकिन अभी एक ऐसा स्कैम हुआ है जो आपको ऑलरेडी एक बार अपडेट तो दे चुका हूँ, लेकिन ये चीज आज सामने आई है कि हजारों हिमाचल के पुलिस वाले जो हैं उनके खुद के करोड़ों रुपए लूट चुके हैं। तो आज की हमारी जानकारी उसी प्लान के बारे में रहने वाली, उसी टोकन के बारे में रहने वाली है। लेकिन जो लोग ST की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सर्च करोगे अगर तो आपको ST टोकन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मिल जाएगा। इसकी वैल्यू अभी भी 0.0018 डॉलर के आसपास चल रही है, यानी कि 1 सेंट के आसपास भी नहीं रही है। तो लगातार डिक्लाइन भी आ रहा है, लेकिन प्राइस समहाउ स्टेबल भी चल रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही प्राइस खत्म हो गया। तो ST टोकन की कोई भी खास न्यूज़ नहीं आई है, कोई भी अपडेट नहीं आई है। जो गुरतेज सिंह हैं उनकी रेगुलर बेसिस पर क्या की सुनवाई होती रहेगी, और आप अगर यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो यहाँ पे भी आपको ऐसी कुछ वीडियोस मिलेंगी जिसमें बार बार एक चीज़ कही जा रही है कि हाँ उनकी रिहाई होने वाली है, कभी होगी या नहीं होगी, या क्या वापस ST टोकन चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं आपको सच बता दूं कि सारी की सारी वीडियोस आपको कोई खास जानकारी नहीं देने वाली हैं। हालांकि उसमें कुछ अच्छी जानकारी हो सकती है, लेकिन मैं ओवरऑल अगर बताऊं तो ये प्रोजेक्ट अभी वापस उस ढंग से काम नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट मैंने आपको एक और वीडियो दिया था जिसमें आपने देखा होगा कि SNV के नाम से एक प्रोजेक्ट आया था, ये देख सकते हैं SNV आया, फिर उसके नाम जैसे कई सारे ऐसे कोई कॉइन्स आए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पर लॉग इन करो, आप अपना लिंक लेकर ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क के ऊपर लॉग इन करोगे, आपको उतने कॉइन्स मिल जाएंगे, आपने दोबारा से स्टे करने है, स्टे करके आपको फिर से जो रिटर्न है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब भी एक उससे भी ऊपर बड़े स्कैम है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ST SNV से इनसे बाहर आ जाइए, क्योंकि इसकी कोई खास अपडेट नहीं आ रही है। कॉइन्स अगर आपके पास पड़े हैं तो सेल कर दो, वही बेटर है। तो अब चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट के ऊपर, लेकिन वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं। जैसे कि सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के दिन 15th बिटकॉइन व्हाइट पेपर डे है। तो एक तरीके हम बोल सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे है बिटकॉइन का। लेकिन आप देख सकते हो कि 15 पिछले साल निकल चुके हैं जब से ये व्हाइट पेपर बना है, उसके बाद कितने सारे स्कैम प्रोजेक्ट्स आए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स ने स्कैम किए हैं। ST हमारे सामने है जिन्होंने इतने 700 करोड़ का स्कैम किया है, वैसे ही 400-500 करोड़ का इस टोकन ने स्कैम किया जो है कॉर्वियो डिजिटी कॉइन के नाम से। तो इसके बारे में आज फिर से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार रेड्स चल रही हैं, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, हमीरपुर में, कांगड़ा में, काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट में लगातार रेड चल रही है, और मैं खुद देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत हफड़ा दफड़ी मची हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश में। एक ऐसा स्कैम जिसने हजारों हिमाचल के पुलिस वालों को भी लूट लिया। अब आप खुद देखो कि हिमाचल की जो पुलिस वाले हैं उनको भी नहीं पता चला कि ये प्रोजेक्ट मार्केट में आया और ये स्कैम करने ही आया है, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को इतने बड़े लेवल पर ले जाया कि बहुत लोगों का विश्वास भी बन गया। एक समय था जब इन्होंने एक कॉइन लॉन्च किया और फिर बहाना लगाया कि अभी जो क्रिप्टो करेंसीज की रूल्स हैं या फिर लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे चेंज होने वाले, कॉइन नहीं काम कर पाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि अभी कॉइन की जगह हम टोकन बनाएंगे। तो लोगों ने ये विश्वास कर लिया कि हाँ अभी टोकन चलेगा, कॉइन नहीं चलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या स्टार्टिंग में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन पूरी होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई है, पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने इसके बारे में पहले वीडियो डाली थी लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या फिर बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, या फिर बहुत लोगों को पता नहीं चला। तो हिमाचल प्रदेश के लोग ज़्यादा लूटे, हालांकि प्रोजेक्ट गुजरात से भी चल रहा था यही। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि फ्रॉड जो है बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं जिनका पैसा लूटा है। तो बताया सिर्फ वही जा रहा था कि आपको थोड़े समय में हाई रिटर्न्स मिलने वाले हैं। आज तक काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं, वो बात अगर हम करें फ्यूचर मेकर की, फ्यूचर मेकर ऐसा प्रोजेक्ट आया था, उसके बाद कितने ही बड़े प्रोजेक्ट आए हैं जिन्होंने इस तरीके से करोड़ों का पैसा लिया। अब उसके बाद हमने ये ST टोकन की बात करी, तो इन्होंने भी पैसा लूटा, लेकिन ये पैसा वापस नहीं आने वाला, ना ही इसकी जो टीम है उनके जो केस है वो खत्म होने वाले, ये लगातार इसी तरीके से चलते ही रहेंगे। तो जो शुरुआत हुई थी कॉर्वियो कॉइन के नाम से हुई थी, फिर डिजिटी कॉइन से हुई, और आप विश्वास नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके इन्होंने 2.5 लाख से भी ज़्यादा IDs बना ली, जिसमें बहुत लोगों ने अपनी मल्टीपल IDs भी बनाई, ये सोचकर कि शायद हमें अलग अलग ID पे और भी ज़्यादा इनकम होने वाली है। लेकिन ये चीज़ उसी तरीके से चली, यानी कि जैसे कोई भी स्कैम कॉइन चलता है, यानी कि उसके पीछे मैनिपुलेशन चलती रहती है, प्राइस को बढ़ाया जाता है फिर नीचे ले जाया जाता है, जब बढ़ जाता है उसको हाई प्राइस पे सेल कर दिया जाता है, यानी कि जो इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन या टीम होती है जो इसको रन कर रहे होते हैं वो मैनिपुलेट करके सेल कर देते हैं और बोलते हैं कि अब प्राइस नीचे आ गया, फिर से बाय कर लो।
अब इसमें पुलिस ही नहीं बल्कि टीचर्स या फिर ऐसे कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग भी थे जो इसमें फंस चुके हैं। हालांकि उनके अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से देखें या फिर लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो उनको ऐसे चक्रों में वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये इलीगल होता है कि वो अलग से भी कोई बिजनेस करें अगर वो जॉब कर रहे हैं तो। लेकिन आपको ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ इस स्कैम के बारे में कि ये स्कैम ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है कि अभी जितने भी लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व थे उन सभी को पकड़ा जा रहा है। यानी कि SIT टीम इतनी गहराई में इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हर कोई इसमें फंसने वाला है, चाहे वो कोई टॉप लीडर हो या कोई भी हो, वो इस चक्कर में अगर उन्होंने शुरुआत करी थी अभी वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। तो 2018 में जो अभिषेक थे जिन्होंने ये शुरू किया था स्कैम KRO या फिर कॉर्बियो कॉइन के नाम से, उसको पकड़ने के लिए 41 से भी ज़्यादा लोकेशन हिमाचल में हैं जहां पे ऑलरेडी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर चेक किया जा रहा है कि वो पर्सन है कहां पे। इसमें जो मेन लोग हैं सुखदेव एंड हेमराज वो गुजरात से हैं, जिनके ऊपर टोटल 400 करोड़ की लाइबिलिटी ऑलरेडी है। और इन्हीं में से एक सुभाष नाम का एक कोई पर्सन है वो ऑलरेडी दुबई में जा चुका और वहां पे छुपा हुआ है। और जो अभिषेक था इसमें मास्टरमाइंड, उसको SIT ने पकड़ लिया और कोर्ट में भी उसको धरा और इसी के साथ क्या कि 5 दिन की कस्टडी में भी लिया गया। अब इसी के साथ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर है, मंडी, ऊना, सोलन, इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार क्या कि सर्च कंडक्ट किया गया। तो अभी तक टोटल 10 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं जो कि इसके पीछे थे। वैसे देखा जाए तो STA स्कैम हमें सबसे बड़ा लग रहा था कि उसमें कहा जा रहा था कि लाखों IDs थी, लेकिन इसमें लाख से भी ज़्यादा यानी कि 2.5 लाख IDs थी और वो भी मल्टीपल IDs थी किसी लोगों की, ताकि वो ज़्यादा अर्निंग कर पाएं। तो ये उससे भी बड़ा स्कैम निकला, चाहे इसमें पैसा कम या ज़्यादा इन्वॉल्व था। लेकिन इसको ओवरऑल कितना बोला जा रहा है कि इसमें $25 मिलियन का क्रिप्टो स्कैम हुआ है, जिसको हम 200 करोड़ के आसपास मान सकते हैं। लेकिन आपको ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसकी जब शुरुआत हुई थी पहले इन्होंने कॉर्बियो कॉइन लाया, DG टोकन लाया, यानी कि धीरे धीरे उसका रूप बदलते गए। जैसे ही रग पुल होता था फिर उसके बाद बोलते थे कि एक नया प्रोजेक्ट आया, फिर उन्होंने हाइप नेक्स्ट बनाया, फिर ए ग्लोबल बनाया और इसकी लगातार कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स भी चल रही थी। तो पहले शायद इन कंप्लेंट्स को सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन जब पता चला कि इसमें हज़ारों पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस वाले भी इसमें फंसे हैं तो तब इसको सीरियस लेकर हर जगह पर छानबीन शुरू कर दी गई। अब मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सब क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ऐसे कॉइन्स में कभी मत फंसे, अपने खुद रिसर्च करें, डू योर ओन रिसर्च, DYOR हम बार बार कहते हैं। हमेशा ये भी हर कोई बोलता है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, या फिर आप अपनी खुद की DYOR तो एटलीस्ट करें ही करें। तो आप अगर खुद रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। यही कारण है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ वीडियोस लाते रहते हैं, कुछ सम हाउ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं प्रोजेक्ट अच्छा है, आपने खुद चेक कैसे करना है। ये चीज़ें मैं हमारी क्रिप्टो क्लासेस में भी बता चुका हूँ। क्रिप्टो क्लासेस अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ, जिसमें हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताता हूँ कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे स्कैन करना है, उसको कैसे चेक करना है कि उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, उसमें 1 रुपया भी लगाने लायक है या नहीं प्रोजेक्ट, वो सब कुछ मैं आपको क्रिप्टो क्लासेस में बताता आ रहा हूँ। तो ये क्लासेस हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर मुझे कोई भी नीचे एक भी कमेंट आ जाएगा तो हम फॉर श्योर क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे भी उम्मीद रख रहे हैं कि शायद ये वाला जो प्रोजेक्ट है हाइप नेक्स्ट, ए ग्लोब या फिर DGT, कॉर्बियो, KRO, कोई भी ये प्रोजेक्ट आपको अगर लग रहा है कि शायद वापस चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने यही बताया था, अगर हम STA की बात करें, STA को ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको वीडियोज़ दिखेंगी, न्यूज़ कोई भी नहीं आएगी, वीडियोज़ दिखेंगी यूट्यूब के ऊपर कि बार बार सुनवाई चल रही है, अगली सुनवाई कब होगी, तो उनमें भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। और एक और चीज़ आपको दिखेगी कि STA का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, क्योंकि इसमें जो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है अभी भी $3.8 मिलियन का है। तो जब तक इसमें पैसा है, पैसा लगा हुआ है, तो तब तक ये इसी तरीके से दिखने वाला है। हो सकता है कि सब कुछ ऑलरेडी सीज कर लिया हो गवर्नमेंट ने, लेकिन STA का अगर हम पैनिक स्टॉक के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे 99% वॉल्यूम है और $1,24,000 का वॉल्यूम इसके ऊपर दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो पैनकेक स्वैप के ऊपर ही पड़ी है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट से आपने बचना है। कभी भी आपको अगर ऐसा प्रोजेक्ट दिखता है नीचे मुझे कमेंट कर दो, या फिर हमारे टेलीग्राम के ऊपर आकर मुझे कमेंट करके बता दो। टेलीग्राम के ऊपर जैसे वॉफेड ऑफिशियल मैं न्यूज़ एंड अपडेट्स डालता हूँ, वॉफेड डिस्कस के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। आप वहाँ पे आके मैसेज करो या फिर कमेंट करो, मैं आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा ही दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।